हाँ जी बेटा, आज करांगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फार्मूले पहले लिखांगे अपा। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। दूसरा फार्मूला बेटे, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स साइन वाई। तीसरा फार्मूला आपा बेटा किता ही, कॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये याद रखने वाली गल ये है कि साइन दे भी जिहड़ा प्लस वाला फार्मूला सी साइन एक्स प्लस वाई, उत्थे प्लस का ही साइन आया, और जिहड़ा माइनस का सी एक्स माइनस वाई, उत्थे माइनस का साइन आया फार्मूले च। और कॉज दे विच उल्टा हो गया, कॉज एक्स प्लस वाई जो तुसीं लिखांगे उत्थे आएगा माइनस, यानी कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इस तरह कॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया कॉज एक्स कॉज वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इस तरह टैन एक्स प्लस वाई, इहदा फार्मूला आपां लिखिया सी टैन एक्स प्लस टैन वाई ओवर वन माइनस टैन एक्स टैन वाई। ये याद की करना आपां कि टैन एक्स प्लस वाई, जिस तरह प्लस का फार्मूला तो उपर प्लस आना, नीचे कड़ा साइन आना माइनस का। टैन एक्स माइनस वाई, इस तरह टैन एक्स माइनस वाई बन गया टैन एक्स माइनस टैन वाई, नीचे आ जाएगा वन प्लस टैन एक्स टैन वाई। यानी अगर ऊपर माइनस आ गया तो नीचे की आ जाना प्लस। ठीक है, यह फार्मूलिया आप इस तो अगे से स्टार्ट करते हैं कि अगर असी हूँ जिस तरह साइन एक्स प्लस वाई, यह फार्मूले तुसी पहले नोट कर लो, याद कर लो। हूँ ये अकॉर्डिंगली आप अगे चलांगे। हूँ असी मान लो असी फार्मूला लिख रहे हैं साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स इनू आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यदा मतलब ए जी एक्स की वैल्यू एक्स है, वाई की वैल्यू भी एक्स है, तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग की बन गया साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स साइन एक्स, यानी कि वाई की जगह पर भी एक्स लग गया। हूँ यह दोनों सेम बन गए, साइन एक्स कॉज एक्स, मल्टीप्लीकेशन कोई फर्क नहीं पैंता, अगे पिछे लिख दो, तो यदा मतलब इन्हें भी अगे लिख सकते हैं साइन एक्स कॉज एक्स। हूँ यह सेम रकम बन गई, कितनी बारी आ गई, दो बारी, यदा मतलब यह बन गया टू साइन एक्स कॉज एक्स। यानी हूँ असी की फार्मूला याद रखना साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉज एक्स। यानी कि तुहाडा नैक्सट फार्मूला हो गया सत्तवा फार्मूला। ठीक है, छे तक आपां पहले लिख ले सी। इस तरह नैक्सट देखो कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स नूं असी इस तरह लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एक्स, ये भी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। ठीक है, यदा मतलब इतने लिखांगे वाई की जगह के इतने भी एक्स आ गया, ये आ गया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ए बन गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस टू एक्स। हूँ बहुत सारे बच्चे जड़े हैं ना की गलती करते हैं, यह हो गया बेटा तुहाडा अठवां फार्मूला। हूँ ध्यान ना देखो, एक फार्मूला असी अगे आइडेंटिटीज पढ़िया ही कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ए ते हुंदा वन दे बराबर। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगे पिछे कर दो कोई फर्क नहीं पैना प्लस, तो वह वन दे बराबर हुंदा। पर जदों दोनों नूं माइनस करिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह फार्मूला हुंदा वै कॉस टू एक्स दे बराबर, क्योंकि यह साइन टू एक्स कॉस टू एक्स ये तुसी चंगी तरह याद कर लो, क्योंकि प्लस टू च भी ये फार्मूले काम आने हैं। हुण इस तो अगे देखो नैक्सट बेटा, कॉस टू एक्स के होर भी फार्मूले है, एक तो तुसी यह लिख लिया ना कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यदा मतलब कॉस स्क्वायर एक्स नूं जे असी तोड़ दीए वो बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी लिखी से ना हुणी आपां,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, यदि मतलब कॉस स्क्वायर एक्स में आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अगर उधर चला जाएगा तो एक कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए बन गया बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितनी वरी आ गया दो वरी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ए कितने बराबर आ गया कॉस टू एक्स के, यानी कॉस टू एक्स का एक भी फार्मूला हो गया, ए हो गया फार्मूला अठवा ही है पर अठवें का सैकेंड पार्ट हो गया ना, फर्स्ट पार्ट असी वो कर लिया ना, अठवें का सैकेंड फार्मूला हो गया है कॉस टू एक्स का। हूँ इस तरह कॉस टू एक्स का एक होर फार्मूला आप लिख सकते हैं कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू हूँ असी की करिए कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हूँ साइन स्क्वायर एक्स नू चेंज कर दिए, इनू आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स नू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हूँ ब्रैकेट के बाहर की है माइनस, माइनस जो अंदर लैके जावे निशान बदल जाएंगे माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कि आ गया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये भी कॉस टू एक्स का फार्मूला हो गया, यानी कि यह फार्मूला हो गया अठवें फार्मूले का थर्ड पार्ट, अठवा फार्मूला ही है पर यह तीसरा फार्मूला हो गया यानी कॉस टू एक्स का तीसरा फार्मूला। हूँ एक होर फार्मूला वै वो की है ये आ गया कॉस टू एक्स के बराबर, हाँ जी बेटा हूँ देखो असी इनू लिख सकते हैं कॉस टू एक्स, एक फार्मूला होर लिखो यदा इनू डिवाइड कर दो, असी हूँ फिर एक होर फार्मूला लिखा अठवें का यानी कि फोर्थ फार्मूला कॉस टू एक्स कि बराबर होंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है तो अगर इनू डिवाइड कर दिए डिवाइडिंग इनू आप नीचे लिख सकते हैं, ये नीचे पहले इनू इस तरह लैन दो दिस इज इक्वल टू इनू आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर वन, ओवर वन लिख सकते हैं अपन, यदा मतलब जोड़ा वन है वन कि बराबर है वन आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है क्योंकि वन के बराबर होंगे। हूँ आप करेंगे न्यूमीरेटर तो डिनोमीनेटर दोनों कॉस स्क्वायर एक्स ना डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जो ये डिवाइड किया तो की बन गया वो बन गया कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे तरह नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ जी एन हूँ अलग अलग कर दो कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे तरह ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसल हो गए, ठीक है जो कैंसल हो गए थे कि बराबर बन गया वन दे जीरो नहीं लिखना कभी भी कट के, ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स जो कैंसल हो गए थे कि आ गया वन, वन माइनस की बन गया टैन स्क्वायर एक्स क्योंकि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होंगे टैन एक्स के बराबर तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टैन स्क्वायर एक्स, इसी तरह नीचे आ गया वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यानी कि यह हो गया थोड़ा फार्मूला नंबर चार कॉस टू एक्स का चौथा फार्मूला कि बराबर आ गया फोर्थ फार्मूला हो गया कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स ओवर वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है इस तरह बेटे जोड़ा आप सैवंथ फार्मूला किया ही सैवंथ फार्मूला से किया ही साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है इनू भी असी लिख सकते हैं यदा भी हम सैकेंड पार्ट असं सैकेंड निकालेंगे कि होर कि फार्मूला बन सकता है टू साइन एक्स कॉस एक्स ओवर वन दिस इज इक्वल टू
टू साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर ऐसे तरह है बेटा डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इतने भी सेम स्टेप वही लगावेंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ए बन गया बेटे साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस उसी तरह कला कला अलग अलग कर दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस एक्स ना कॉस एक्स कैंसल हो गया, ठीक है। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स ना कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल हो गया, हूँ ऊपर की बच गया, ऊपर बच गया टू इंटू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। नीचे आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी मतलब साइन टू एक्स का फार्मूला कितने बराबर आ गया टू टेन एक्स, क्योंकि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कितने बराबर है टेन एक्स है, टू टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हूँ इतने की है, यह हो गया बेटा सैवंथ फार्मूले का सैकेंड वाला, सैकेंड फार्मूला साइन टू एक्स। एक फार्मूला साइन टू एक्स का है टू साइन एक्स कॉस एक्स, दूसरा फार्मूला की है साइन टू एक्स का टू टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इतने बच्चे फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टेन टू एक्स का फार्मूला भी की हों टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इतने याद रखना है कि टेन टू एक्स का जोड़ा फार्मूला है उत्थे की है उत्थे नीचे आना वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो साइन टू एक्स बीच नीचे की आना वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यह हूँ एक फार्मूले हो गए थोड़े बेटा टेन टू एक्स का फार्मूला हूँ आप करा टेन टू एक्स का फार्मूला नहीं असी हले किया हाँ जी टेन टू एक्स इनू आप लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स यानी कि बन गया टेन ए टेन एक्स प्लस टेन वाई टेन एक्स प्लस वाई वह फार्मूला की होंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई यानी टेन एक्स प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स ए बन गया टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए हो गया टेन टू एक्स का फार्मूला, साइन टू एक्स के बीच की हों उतने नीचे प्लस आ जाना। हाँ जी बेटा इस तो नेक्स्ट देखो अगला नेक्स्ट फार्मूला देखो कॉट एक्स प्लस वाई का कॉट एक्स प्लस वाई वो असी हले किता नहीं है हूँ करांगे नाइन्थ फार्मूला या टेंथ फार्मूला। ये हो गया कॉट एक्स प्लस वाई हाँ जी ए बराबर है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन ओवर कॉट वाई प्लस कॉट एक्स ऐसी प्रूफ करांगे कि ये बराबर होएगा, ठीक है। लिखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जी है वो है कॉट कॉट है बेटे कॉट एक्स प्लस वाई कॉट एक्स प्लस वाई यह सू पता कि बराबर होंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यह बन गया बेटा कॉस एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। हूँ कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला पता है तू कॉस एक्स प्लस वाई कि बराबर होंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ओवर नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस
कॉस एक्स साइन वाई। हाँ जी हुण देखो ध्यान ना बेटा इत्थे बन रहा कॉट एक्स कॉट वाई तो साढ़े को हैगा कॉस एक्स कॉस वाई तो कॉट कदों बनेगा जदों असी इनू साइन नाल डिवाइड करिए कॉस नूं अगर साइन नाल डिवाइड करांगे तो कॉट बनेगा हुण चाहिए कॉस एक्स इहदा मतलब एक तो साइन एक्स नाल डिवाइड करांगे दूसरा कॉट वाई इहदा मतलब साइन वाई नाल भी डिवाइड करांगे इत्थे लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई ना आप डिवाइड करता वो आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई इस तरह नीचे कितना डिवाइड किया आप साइन ना यह आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई इस तरह नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई। ठीक है हुण इहनां नूं अलग अलग कर दो अगले स्टैप की करना इहनां नूं अलग अलग कर दो ये बन गया कॉस एक्स कॉस वाई ओवर साइन एक्स साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई ओवर साइन एक्स साइन वाई नीचे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई ओवर साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ओवर साइन एक्स साइन वाई। ठीक है बेटा एक बार ड्राइव करके सीख लेना तुहानू एक बार हथों तुहाडे निकल गया तो फिर तुहानू आपे याद रहेगा कि किस तरह करना है। ये आ जाएगा बेटा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स बन गया तुहाडे को कॉट एक्स कॉस वाई ओवर साइन वाई बन गया कॉट वाई ये कैंसल हो गए इत्थे क्या आ गया वन नीचे साइन एक्स ना साइन एक्स कैंसल हो गया कॉस वाई ओवर साइन वाई की बन गया कॉट वाई प्लस ऐसे तरह साइन वाई ना साइन वाई कैंसल हो गया यह बन गया कॉट एक्स यदा मतलब तुहाडा फार्मूला की आ गया कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन कॉट एक्स कॉट वाई ये आ गया दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन ओवर कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है ऐसे तरह असी दूसरा फार्मूला प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन ओवर कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है ये याद रखना प्लस वाले उल्टा चल गया ना प्लस वाले ऊपर माइनस आ गया नीचे प्लस तो वो नीचे कॉट एक्स माइनस वाई ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आ गया। ठीक है इस तो बाद नैक्सट देखो बेटा नैक्सट फार्मूला है साइन थ्री एक्स यह प्रूव करांगे कि बराबर होंगे साइन थ्री एक्स ए एक बार चंगी तरह तुम सीख ले तो फिर तुम ट्रिग्नोमैट्री आप ही ईजी लगेगी। साइन थ्री एक्स का फार्मूला बेटे थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ऐसी प्रूव करांगे। ठीक है यह प्रूव करना आप कि यह फार्मूला ये बराबर होंगे। हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड है साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स में आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू एक्स यह फार्मूला बेटे बन गया थोड़ा साइन एक्स प्लस वाई कि बराबर होंगे साइन एक्स
कॉस वाई, हम वाई इधर टू एक्स के बराबर है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई, वाई जरा टू एक्स के बराबर है, ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, वाई जरा कि बराबर है टू एक्स के, यह पहले सही तरह फार्मूला लिख लो, ठीक है, क्योंकि यह वाई के बराबर है, यह कि बराबर है वाई के, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वाई की जगह पर कि लग गया टू एक्स, हूँ टू एक्स का फार्मूले तुम आते हैं, हूँ एक गल ध्यान दो, उपर उपर जोड़े सारे फार्मूला जो आंसर लिखे वो सारा साइन च है, यदा मतलब कॉस टू एक्स असी साइन वाला फार्मूला यूज करा जिद साइन आया से, तो वह फार्मूला है वन माइनस टू साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन टू एक्स का फार्मूला लिखो टू साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स प्लस तीनों मल्टीप्लाई हो रहे टू साइन एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स, हूँ यहाँ मतलब कॉस स्केयर एक्स जरा असू चेंज करा साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस स्केयर एक्स में बेटा साइन च लिख दो वन माइनस साइन स्केयर एक्स, नैक्सट मल्टीप्लाई कर दो प्लस इनू मल्टीप्लाई करा वन प्लस टू साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स, हाँ जी बेटा हूँ इकट्ठे कर दो साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स कि बन गया थ्री साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब, माइनस टू साइन क्यूब बन गया माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, यदा मतलब साइन थ्री एक्स का फार्मूला बन गया थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ए बराबर याद रखना तुसी। हुन ऐसे तरह नैक्सट करांगे असी कॉस थ्री एक्स का फार्मूला, कॉस थ्री एक्स वो बराबर है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, यानी कि उल्टा करके लिखता आप फोर जिथे जिथे साइन आया उत्थे कॉस आ जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ए प्रूव करना हूँ आप कि ए बराबर हों, हूँ इतें की करा बेटा इतने हूँ असी कॉस न तोड़ा पहले लैफ्ट हैंड साइड कि बराबर है कॉस थ्री एक्स के, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स में लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस टू एक्स, हाँ जी ए बन गया बेटा कॉस एक्स प्लस टू एक्स, यानी कॉस ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का फार्मूला ए वाई के बराबर है तुहाडा, ठीक है, ए बन गया कॉस एक्स कॉस वाई यानी कि टू एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, वाई यानी कि टू एक्स बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन टू एक्स, हाँ जी हूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो इतने सारा आंसर जोड़ा कॉस है, मतलब जिथे भी साइन आ रहा असं कॉस चेंज करा कॉस टू एक्स का फार्मूला कॉस हों टू कॉस स्केयर एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स, हाँ जी ए बराबर कि आ गया मल्टीप्लाई करो टू कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, इनू मल्टीप्लाई करांगे माइनस टू साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू टू कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस टू साइन स्केयर चेंज कर दो वन माइनस कॉस स्केयर एक्स इंटू कॉस एक्स, ए बन गया बेटे टू कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स, दोनों ना मल्टीप्लाई इकट्ठा कर दो टू कॉस एक्स आ गया, हूँ टू ना भी करना कॉस एक्स ना भी करना माइनस टू कॉस क्यूब एक्स, उन्होंने इकट्ठा कर दो बेटे टू कॉस क्यूब एक्स, तो यह बन गया माइनस माइनस प्लस टू कॉस क्यूब एक्स प्लस टू कॉस क्यूब एक्स कितना बन गया, यह आ गया यानी कॉस थ्री एक्स के बराबर आ गया
फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस, दोनों माइनस दे, माइनस कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स, कितना बन गया माइनस थ्री कॉस एक्स, माइनस थ्री कॉस एक्स आ गया ए कॉस थ्री एक्स का फार्मूला। यह याद करना आप हूँ एक बार रिवाइज कर लिए आप कि आज के फार्मूले सारे असी याद रखने हैं, ठीक है। तो उस तो बाद बाकी काम बेटा कल करांगे। अज वाले फार्मूले जिहड़े असी अज नवे फार्मूले किए हैं असी अज सिर्फ उही लिखांगे, साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉज एक्स, दूसरा फार्मूला आपां किता ही टू टैन एक्स ओवर वन प्लस टैन स्क्वेयर एक्स, दो फार्मूले से साइन टू एक्स से किते से, ठीक है। आ फर्स्ट फार्मूला जिहड़ा किता, सैकेंड फार्मूला आपां किता बेटा कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स से चार फार्मूले कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, नेक्स्ट है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स, नेक्स्ट है बेटा वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, नेक्स्ट थर्ड फार्मूला टेन टू एक्स, ये है टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, फिर आप किता फार्मूला कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई कि बराबर होंगे कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन ओवर कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, फिफ्थ कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस वन ओवर कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा छेवा फार्मूला से किता साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स कि बराबर है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। अज असी यह सत्त फार्मूले असी किते चंगी तरह, इन्हों कर लेना ड्राइव किस तरह करने वो भी तुम दस दते हैं और इन्हों याद कर लेना। सब तो ज़्यादा जो बच्चों भुलेखा लगता है वह ना फार्मूलिया लगता है, क्योंकि कॉस स्क्वेयर एक्स एक असी फार्मूला याद करते हैं कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। हूँ बेटे इतने ध्यान रखना है कि यह स्क्वेयर नहीं है, यह हैगा कॉस टू एक्स, ठीक है टू एक्स है इतने तो वह वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है इतने अगे टू आता है तो एक असी फार्मूला करते हैं कॉस स्क्वेयर एक्स का टू एक करते हैं आप एक फार्मूला याद करते हैं वन माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, दूसरा फार्मूला बेटे कॉस टू एक्स जोड़ा आता वै वो आता टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन। ए तो बच्चे याद रखते हैं, यह याद रहा अक्सर बच्चों इतने भुलेखा खा जाते हैं, इन दोनों च डिफरेंशिएट कर लेना, इतने स्क्वेयर है कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो कॉस टू एक्स है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स। अज का काम बेटे इतने तक खत्म हो जाता है तो इन्होंने चंगी तरह फार्मूलियां याद कर लेना। ओके बेटा।